हेलो स्टूडेंट्स, प्लस वन बिजनेस स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, साझेदारी संगठन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम पिछले वीडियो की बात कर लेते हैं। उसमें हमने जो चैप्टर किया था उसका नाम था ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और उससे भी पहले जो डिस्कस किया था उसका नाम था सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सारे ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं। सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ही व्यक्ति होता है, वही पूंजी लगाता है, वही मैनेज करता है, और सारा जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसका रिस्पॉन्सिबल वो अकेला व्यक्ति ही होता है। उसके बाद हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें सभी फैमिली मेंबर्स, एक ही फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो मिलकर बिजनेस करते हैं और मुखिया या जो फैमिली का हेड होता है उसके कंट्रोल में काम करते हैं। उसको हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। और उसके बाद जो आ जाता है उसका नाम है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, साझेदारी संगठन। अब साझेदारी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि अब हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को साइड में रख देते हैं। उससे पहले जो मेन सबसे पहले पड़ा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होने के कारण वही कैपिटल लगाता है, लेकिन उसके पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो मतलब अपने बिजनेस का जो है वो ग्रोथ कर सके, उसका एक्सपेंड कर सके। तो उसको कैपिटल की आवश्यकता महसूस होने लगी धीरे धीरे। उसके बाद उसके पास मैनेजरियल पावर भी इतनी नहीं थी कि वो अकेले ही बिजनेस का मैनेज कर सके। तो उसको बाहर से जो मैनेजर होते हैं उनकी भी ज़रूरत महसूस होने लगी। तो इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए जो आगे बिजनेस का प्रारूप सामने आया उसको कहेंगे हम पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, साझेदारी संगठन। इसमें क्या होता है तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं हम। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का अर्थ। पार्टनरशिप मीन्स दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पर्सन विलिंगली ज्वाइन हैंड्स एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। इसका अर्थ ये हुआ कि साझेदारी का अभिप्राय व्यावसायिक संगठन के ऐसे प्रारूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। दे ऑल इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस। वे सारे के सारे जितने भी लोग हों, दो या दो से अधिक, सभी के सभी बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करते हैं? कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। मेक यूज़ ऑफ कलेक्टिव मैनेजरियल एबिलिटी, और सभी इकट्ठे होकर जो है वो आपकी अपनी प्रबंध की एक क्षमता को दिखाते हैं। एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अमंग देमसेल्व्स, और बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। व्यवसाय में वे सभी पूंजी लगाते हैं, प्रबंध की योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं तथा लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। तो ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो कि इसमें क्या क्या मेन बातें आई इसके मीनिंग में, कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपनी इच्छा अनुसार इकट्ठे होकर किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं कि हमने इकट्ठे होकर कोई बिजनेस करना है, लॉफुल बिजनेस। अब लॉफुल बिजनेस का अर्थ ये हुआ कि कोई इलीगल बिजनेस नहीं करना है। इलीगल बिजनेस का अर्थ ये है कि कानून की नज़रों में वो अवैध नहीं होना चाहिए, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। उस बिजनेस को हम जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे। तो ऐसा बिजनेस जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होकर व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं, वे सभी पूंजी लगाते हैं, कैपिटल सारे लगाएंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और अपनी प्रबंधकीय योग्यता का प्रदर्शन करेंगे, और जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। अब आई डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा जो है,
हम करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 4 के अनुसार इसकी डेफिनेशन में कहा गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका अर्थ ये हुआ कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को पर्स पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा है। ये थी बच्चों इसकी डेफिनेशन, ये आपने वर्ड टू वर्ड इसी तरह से याद करनी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा 1932 है, हर बिजनेस का कोई ना कोई एक्ट बनता है तो पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 है और इस पर सेक्शन 4 लागू होता है। उसमें इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं कि साझेदारी क्या है, ये एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स के बीच में, पर्सन का मतलब जितने भी पार्टनर होंगे उन सब के बीच में एक ऐसा रिलेशन है, हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो एग्री करते हैं क्या शेयर करने के लिए, प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री करते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल जो जितने भी पार्टनर हैं उन सबके द्वारा चलाया जाता है, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल या उनमें से किसी एक के द्वारा भी चलाया जाता हो उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। अब आई आगे इसके फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की विशेषताएं। तो एक बात बच्चों ध्यान से सुन लो कि जो भी पार्टनरशिप या जो भी हम कोई चैप्टर करते हैं, जो उसका मीनिंग पढ़ते हैं, उसी से ही उसके फीचर्स जो है वो निकल कर सामने आते हैं। तो अब इसके फीचर्स क्या क्या बने जो हमने इसके पैराग्राफ, इसका जो मीनिंग था उसमें हमने पढ़े हैं। तो पहला है मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्तियों का होना। तो साझेदारी में क्या होता है, साझेदारी में दो या दो से अधिक, इसके मीनिंग में पढ़ा था ना हमने टू और मोर देन टू पर्सन, एक दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें होते हैं। तो उसी तरह से ये इसकी एक डेफिनेशन बन फीचर बन गया कि मोर देन वन पर्सन, कि इसमें एक से अधिक पर्सन जो है वो होते हैं। अगर एक ही व्यक्ति होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी, एकाकी व्यापार। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना इसमें जरूरी है। सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का होना या व्यवसाय का होना। इसका अर्थ ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस चलाते हैं तभी उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाएगा। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी मंदिर का निर्माण का काम करते हैं, वैसे ही धार्मिक काम में लग जाते हैं, या कोई सामाजिक कार्य करते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहेंगे, क्योंकि बिजनेस का अर्थ ये है कि प्रॉफिट कमाना और उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बिजनेस का होना जरूरी है। थर्ड, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, उद्देश्य लाभ कमाना व आपस में बांटना। तो पार्टनरशिप बिजनेस का नेक्स्ट फीचर है कि इसमें बिजनेस में, इस बिजनेस में भी क्या कमाया जाता है, लाभ कमाना उद्देश्य होता है इसका, लाभ कमाया जाता है और उस प्रॉफिट को जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, बांटते हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, असीमित दायित्व। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये पॉइंट हर बार हर चैप्टर में आएगा, किसी में लिमिटेड लाइबिलिटी होगी और किसी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। अब पार्टनरशिप बिजनेस में लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का अर्थ ये है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हो जाती है तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपनी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर उस लॉस को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है यूटमोस्ट गुड फेथ, अत्यंत सद्विश्वास। इसका अर्थ ये हुआ कि पार्टनरशिप जो है, जहाँ मर्जी आप देख लो, कोई भी पार्टनरशिप होगी, कोई भी काम अगर आप पार्टनरशिप में करते हो तो उसमें किस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, फेथ का।
फेथ मतलब विश्वास का, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ आप इकट्ठे काम नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप बिजनेस अगर चलाना है तो सभी पार्टनर्स को एक दूसरे के ऊपर जो है वो फेथ होना चाहिए, कोई भी बात उनको एक किसी भी पार्टनर से छुपानी नहीं चाहिए। और लास्ट इसका फीचर, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हित के हस्तांतरण पर रोक। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी पार्टनर अपना शेयर दूसरे पार्टनर्स की सहमति के बिना ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी और को। जैसे मैं और कोई दो और है मेरे साथ, हम तीनों पार्टनर एक बिजनेस को चला रहे हैं, बाद में मैंने सोचा कि मैंने बिजनेस नहीं करना है और जो मेरा शेयर है मैं किसी और थर्ड पर्सन को जो है वो सेल कर दूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्शन है इस पर, रोक है। हाँ, तभी कर सकती हूँ मैं अपना शेयर किसी दूसरे को, तभी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ जब बाकी जो मेरे साथ दो पार्टनर्स हैं वो एग्री हो जाएं इस बात के लिए। अगर वो अपनी सहमति दे देते हैं तब मैं अपना जो शेयर है या अपना इंटरेस्ट है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, अदरवाइज़ इस पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये थे इसके फीचर्स, आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी जो इसका अगला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।